माई चैनल, दिस इज अंजना। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख के समझ ही गए होंगे आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ हेयर स्पा के बारे में। सो गाइस, जैसे आपने देखा होगा कि मेरे बाल कितने ड्राई फ्रीजी थे, और एकदम से मेरे हेयर स्पा करने के बाद मेरे बाल सिल्की शाइन एंड स्मूथ बन गए हैं। सो यही ट्रिक मैं आज आपको बताने वाली हूँ, वो भी विदाउट गोइंग पार्लर एंड विदाउट वेस्टिंग मनी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे बालों की ऑयलिंग। इसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। हमारे हेयर के लिए सबसे बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, जिससे हम अपने बालों को अच्छे से मसाज देंगे। आप ऑयल को पहले हल्का सा गुनगुना भी कर लें, इससे हमारे हेड में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हमारे फ्रिजीनेस, हेयर फॉल, इन सब की समस्या दूर होती है। अच्छे से आप इसको हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज दें। पूरे रूट से लेकर टिप तक हमें अपने बालों को मसाज देनी है। देखिए गाइस, जैसे मैं कर रही हूँ आगे पीछे। और सो फ्रेंड्स, अब हमारी ऑयलिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें एक अच्छा सा टॉवल लेके गर्म पानी में भिगो के इसे स्क्वीज करके अपने बालों पे लगा लेना है। पानी ज़्यादा गर्म ना हो, हल्का गुनगुना हो। सो अब हमें इसे 10 मिनट्स तक अपने बालों पर ऐसे ही लगे रहने देना है। जब 10 मिनट्स हो जाए तो देन हमें इसे शैम्पू से वॉश करना है। हमने अपने हेयर वॉश कर लिए हैं, अब हमें इसे अच्छे से टॉवल से हल्का हल्का सुखाना है। बाल को पूरा नहीं सुखाना है, बस थोड़े से ही सुखाना है। जब हमारे बाल सूख जाए, अब हमें इसके लिए अपने लिए हेयर स्पा के लिए मास्क तैयार करना है। सो हम सबसे पहले लेंगे दही। आप अपने बालों के अकॉर्डिंग दही ले सकते हैं कि आपकी कितनी लेंथ है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शहद और थोड़ा सा एलोवेरा जेल। तीनों को अच्छे से मिक्स करके, एलोवेरा जेल और हनी कर्ड में मिक्स करके, हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। जैसे मैं बना रही हूँ, ये देखो गाइस, आपके हेयर लाइन के अकॉर्डिंग आप लेना कर्ड और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना। अब हमें इसे धीरे धीरे अपने बालों में अप्लाई करना है। इसे हमें अच्छे से रूट से लेके टिप तक हमें इसे अप्लाई करना है। कर्ड हमारे बालों को बहुत ही स्मूथ बनाएगा। एलोवेरा जेल हमारे हेयर फॉल की समस्याओं को, फ्रीजीनेस को, ड्राईनेस को ठीक करेगा। और हनी, सबको पता ही है, हनी हमारे हेयर को मॉइस्चराइज करेगा। इसको अच्छे से हमें सेक्शन वाइज अपने बालों पर अप्लाई कर देना है। इससे हमारे स्प्लिट्स एंड की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ये देखो गाइस, इसे अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ये देखो। और उसके बाद हल्के हाथों से इस पर मसाज भी कर लेना है हेड पे, इसे लगाने के बाद। ये देखो ऐसे। हमें अपने हेयर पे एक पॉलीथिन लेके इसे अच्छे से कवर कर लेना है। अगर आपके पास शावर कैप हो तो वो भी अच्छा है, बट मेरे पास शावर कैप नहीं थी तो मैंने एक पॉलीथिन से इसे रैप करके अच्छे से लगा। इसे हमें 20 मिनट्स रखना है, देन वॉश कर लेना है। देखो फ्रेंड्स, अब मैंने अपने बालों को वॉश कर लिया है। आप किसी भी शैम्पू कंडीशनर से अपने बालों को वॉश कर सकते हैं। और आफ्टर वॉश देखो मेरे बाल कितने सिल्की सॉफ्ट हो गए हैं। आप इसे घर में एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगे आपको मेरी ये ट्रिक? अब प्लीज़ एक बार घर में ज़रूर इसे करके देखिएगा और देन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। सो ये थी आज की हेयर स्पा की ट्रिक। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय।